गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है दाता ग्राही, दाता व ग्राही माता का चुनाव करना। इससे जो पहले की जो वीडियो थी उसमें पढ़ लिया था हमने भ्रूण प्रत्यारोपण क्या होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक पढ़ ली थी हमने कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक क्या होती है। क्या होता है भ्रूण प्रत्यारोपण, सबको मैंने करवाया था कि किसी दाता मादा से ग्राही मादा में निषेचित अंडे को क्या करना, ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक कहलाती है। जो शेष गर्भकाल है किसका, यानी अंडे का, जो निषेचित अंडे है उसका जो शेष गर्भकाल है वो कौन करती है, ग्राही मादा करती है। ग्राही मादा पशु पूर्ण करता है, ठीक है, जिसे सैरोगेट मादा कहा जाता है, उदाहरण की कोक। तो ये हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे दाता व ग्राही मादा का चुनाव करना। पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद में समझाएंगे। दाता व अदाता, दाता व अदाता, अदाता का मतलब हो गया ग्राही, ब्रैकेट में लिख लो ग्राही का चुनाव करना, का चुनाव करना, का चुनाव करना सफल सफल भ्रूण प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम का कार्यक्रम का कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के पशु स्वस्थ प्रजननशील प्रजननशील रोग मुक्त होने चाहिए तथा उन्हें संतुलित आहार पर रखना चाहिए। अब इसे समझ लीजिए कि दाता व अदाता, अदाता का मतलब होता है ग्राही, यानी जो ले रहा है उसे क्या कहेंगे, अदाता। का चुनाव करना सफल भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है, क्योंकि यदि हम दाता का चुनाव करते हैं उसमें क्या है, कोई रोग है, जेनाइटल रोग है, और ग्राही में भी क्या है, कोई रोग है, यानी वो स्वस्थ नहीं है, वो रोग है। अगर उसका चुनाव कर लें तो हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या होगा, असफल हो जाएगा, यानी वो बच्चा हमें उत्पन्न नहीं होगा, यानी जो चीज़ हमें चाहिए, यानी जो चाहिए उसे पूर्ण नहीं होगा, यानी जो प्रजननशील है, यानी वो प्रजननशील भी नहीं है, तो क्या है, तब भी हमारा जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है वो क्या होगी, सफल नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दाता व अदाता का चुनाव करते समय उसमें देख लें कि किसी प्रकार की उसे बीमारी तो नहीं है, किसको, जिस पशु का अपन चयन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं कि दाता व अदाता, ठीक है। फिर क्या है उसमें, उसे संतुलित आहार पर रखना चाहिए, क्या कर रखना चाहिए, उसे संतुलित आहार देना चाहिए। यदि आप उसे निम्न क्वालिटी का या सड़ा गला आहार देंगे तो उसे जो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन्स है वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब पहला जो आता है दाता का चुनाव क्या है, इसमें जो पहला आता है दाता या डोनर, डोनर का चुनाव है ना, वो तो क्या है, दोनों पशु के लिए कहा गया है कि दाता व अदाता दोनों कैसे हो, संतुलित हो, कैसा हो, यानी उनको
भोजन कैसा मिलना चाहिए, संतुलित, ऐसा कैसा होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, प्रजननशील होना चाहिए, यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्या हो, क्षमता हो, और पशु कैसा हो, स्वस्थ यानी वो हट्टा कट्ठा हो। ठीक है, अब पहले जो आता है दाता ग्राही अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं दाता पशु का चयन या चुनाव। तो इसमें लिख लो पहले दाता का चुनाव, दाता का चुनाव मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है, तीन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला है दूसरे पशुओं की तुलना में, पहला क्या है कि जो दूसरे पशु हैं यानी जिस मादा का चुनाव कर रहे हैं उससे अलग, यानी दूसरे है ना, उनसे अलग क्या हो, आनुवंशिक गुण हो, यानी उनमें आनुवंशिक गुण क्या हो, अलग हो उनकी तुलना में। ठीक है, दूसरा है उच्च श्रेणी की उर्वरकता, उच्च श्रेणी की क्या हो, उर्वरकता यानी फर्टिलिटी हो। ठीक है, तीसरा है संतान की विक्रियता, यानी वो जो संतान है अच्छी उनका क्या हो, विक्रय हो। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए आप, पहला क्या है दूसरे पशुओं की तुलना में, दूसरे पशुओं की तुलना में आनुवांशिक गुण श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठता क्या हो, उनसे उन जो दूसरे पशुओं उनकी तुलना में आनुवांशिक गुण है वो कैसे हो, अच्छे हो यानी श्रेष्ठ, उनसे बेहतर हो। ठीक है, दूसरा है उत्तम श्रेणी की उर्वरकता, की उर्वरकता उर्वरता ब्रैकेट में लिख लो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। ठीक है, तीसरा लिखो संतान की विक्रता, संतान की विक्रियता। ये तीनों आपको मैंने समझा दिए कि उत्तम श्रेणी की जो उर्वरता है यानी फर्टिलिटी है वो कैसी हो, उत्तम श्रेणी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। संतान की विक्रेता यानी जो उत्पन्न संतति है उनकी विक्रय कैसी हो, अच्छे हो यानी बेच वो कैसे हो, बिक सबसे श्रेष्ठ दामों में या श्रेष्ठ पैसों में बिक जाए। तो ये तीनों है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लिख लो आप। ये तो हो गई तीन बातें, अरे इन पर तो क्या हो, चुनाव करते समय इन बातों की क्या करें, पहले देख लें कि ये चीजें उनमें है या नहीं है। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लिख लीजिए आप। ऐसे दाता का चयन करें जिसने जिसने एक दुग्धकाल यानी फर्स्ट लैक्टेशन पीरियड है ना, एक दुग्धकाल पूर्ण कर लिया हो, पूर्ण कर लिया हो, पूर्ण कर लिया हो तथा उच्च गो सूचकांक, सूचकांक की हो। कैसे करें, ऐसी दाता का चुनाव या चयन करें जिसने प्रथम जो फर्स्ट लैक्टेशन पीरियड है वो पूर्ण
कर लिया हो ऐसी मादा का चयन करें। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट है इसमें, दाता पशु के जनन अंग सामान्य हो, दाता पशु के सामान्य अंग, सामान्य अंग सॉरी अंग सामान्य हो, के अंग सामान्य हो, सामान्य हो। मद चक्र नियमित हो, नियमित हो तथा गर्भाशय, गर्भाशय की ग्रीवा में किसी प्रकार का, में किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो, नहीं हो पहले लिख लीजिए आप फिर समझाएंगे। नहीं हो अर्थात, अर्थात पीत पिंड अवस्था में ग्रीवा, ग्रीवा आसानी से खुल सके, खुल सके। तो क्या है इसमें, दाता पशु के अंग तो कैसे हों सामान्य, यानी जो सर्विक्स गर्भाशय है ना यूट्रस वगैरह ये कैसे हों सामान्य हों। मद चक्र का मतलब है पशु जब हीट में आ रहा है, हीट का मतलब जो डिस्चार्ज है वो नियमित रूप से दे रहा हो, यानी अंडे का क्या हो, जो अंडा है ये ओवरी से निकलता है तो वो क्या करता है पहले डिस्चार्ज देता है ना, तभी तो पता लगता है पशुपालक को हमारा पशु क्या आ रहा है मद में आ रहा है, ठीक है ना। वो कैसे हो, मद चक्र सामान्य हो। मद चक्र की चार अवस्थाएं हो, दो मुख्यतः तो दो होती है ना, एक तो होती है लीटियल और एक होती है फोलिकल, फोलिकल ठीक है ना, ये दो होती है, इसकी भी फिर दो होती है और इसकी भी दो होती है, ये आपको गायनों में पढ़ने को मिल जाएगा, वहां विस्तार से पढ़ाते हैं या फिजियो में, ठीक है। तो जो मद चक्र है वो नियमित होता था गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा का मतलब है जो सर्विक्स है ना, इसमें होती है सर्विक्स, ये क्या होती है सर्विक्स, इसको क्या कहते हैं ग्रीवा, ठीक है ना। ग्रीवा में किसी प्रकार की व्याधि, व्याधि का मतलब या तो कोई गांठ वगैरह या कोई सिस्ट है ना ऐसी नहीं हो, अर्थात पीत पिंड, पीत पिंड का मतलब है फॉलिकुलर, फॉलिल अपन बोलते हैं ना, ग्राफियन पुटिका है ना, ग्राफियन पुटिका फटती है तो वो क्या है, जब ग्राफियन पुटिका फटती है तो उसमें जो लेयर बनती है वो कैसी होती है, पीले कलर की होती है, पीले कलर उसे क्या कहते हैं, पीत पिंड अवस्था में ग्रीवा आसानी से खुल जाए, यानी जो ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है ना, यहाँ से पीत पिंड आएगा है ना, और ये जब शुक्राणु यहाँ से जाएंगे तो शुक्राणु ये क्या है खुल जानी चाहिए, यानी आसानी से खुल सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खुल सके। तीसरा लिखो, तीसरा पूर्व में दाता पशु के कष्ट प्रसव का मतलब है यानी कठिनाई से प्रसव क्रिया, जिसे आप वर्ड इंग्लिश में डिस्टो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कठिनाई से प्रसव क्रिया। एक तो होती है नॉर्मल प्रसव डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ठीक है, और एक होती है हार्ड यानी कठिन
कष्ट प्रसव बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। अपरा का रुकना, अपरा का रुकना इंग्लिश में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, शॉर्ट में आरओपी बोल देते हैं उसे। गर्भपात, अबोर्शन भी नहीं हुआ हो, गर्भपात, गर्भाशय के रोग नहीं होने चाहिए, गर्भाशय के रोग नहीं होने चाहिए। ये आपको मेडिसिन में मिल जाएगा, गायनो में मिल जाएगा कि गर्भाशय के रोग कौन कौन से होते हैं, ये आपको गायनो में सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ इसको लिखना है कि पूर्व में दाता पशु का कष्ट प्रसव नहीं होना चाहिए, कष्ट प्रसव यानी डिस्टर्ब किया, अपरा का रुकना यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, गर्भपात जिसे अपन अबोर्शन बोलते हैं, गर्भाशय के ऐसे रोग नहीं होने चाहिए, ऐसे पशु का चयन करें, ठीक है। अगला लिखो, दाता युवा होना चाहिए यानी वयस्क युवा, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ एवं मुख्य रूप से रोग मुक्त होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। तो जो दाता है यानी डोनर जो पशु है वो कैसा हो, युवा जवान हो, स्वस्थ हो, रोग मुक्त होना यानी किसी प्रकार का सा क्या नहीं हो, रोग नहीं हो, ऐसा पशु का आप चयन करें ताकि अधिक से अधिक डिंब चरण हो सके, डिंब चरण अधिक, ताकि अधिक से अधिक डिंब चरण, डिंब चरण हो सके। डिंब चरण का मतलब है ओविलेशन ना, अंडोत्सर्ग, डिंब चरण को ओविलेशन बोल देते हैं, जो एमओईटी बोलते हैं ना, अधिक मल्टीपल ओवम एम्ब्रियो ट्रांसफर है ना, वो विधि होती है, अधिक से अधिक पशु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दाता पशु यानी जो डोनर पशु है उसका चुनाव कैसे करें, ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेंगी। पूछ लिया जाता है कि दाता पशु का चुनाव में मुख्यतः किन किन बातों का याद ध्यान रखना है, अगर वो पूछे मुख्य बातें तो अपन को कितने लिखनी है, तीन बातें। यदि वो पूछे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो तो आपको कुछ इनमें से भी लिखने हैं, ठीक है। टिप्पणी आती है ढाई नंबर की और जो डेफिनेशन होती है वो होती है दो नंबर की, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अपन अगला करेंगे ग्राही पशु का चयन किस प्रकार होना चाहिए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके।